तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जो आपके लिए लेकर आए हो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फेसबुक पर अपना नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप फेसबुक पर अकाउंट बनाना हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को जो है पूरा देखिए, ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फेसबुक पर नया अकाउंट लॉग इन करना या फिर नया अकाउंट बनाना, यानी कि सब कुछ इस वीडियो में आपको सिखानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। फेसबुक पर जो नया अकाउंट है, जो फर्स्ट अकाउंट है, वो तो किस तरह से हम बना सकते हैं, या फिर अकाउंट क्या कब कहाँ से बनता है। तो इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले जैसे यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, और हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। कृपया करके ही यार सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें जैसे कि हमारी नई नई वीडियोस आपको मिल सकेगी। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे और फेसबुक पर नया वाला अकाउंट हम आपको बनाना भी सिखा देते हैं। फेसबुक पर जो नया अकाउंट है वो बनाना काफ़ी इजी है। उसके लिए सबसे पहले हम फेसबुक को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो बेसिकली जो है मेरे पास ये है फेसबुक लाइट का वर्जन है, या फिर ये मेरे पास फेसबुक लाइट एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है। तो इस वी हमें यहाँ पर एक जो करना है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा लॉगिन अकाउंट है, मैं उसको लॉग आउट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लॉग आउट करेंगे ये आगे वाला प्रोसेस जानने के लिए, तो इसको मैंने लॉग आउट कर दिया है। अब जो हमारे ऑप्शन है वो यहाँ पर तीन आ जाते हैं, जैसे कि क्रिएट लॉगिन इनटू अकाउंट, जैसे दूसरा है फाइंड यूअर अकाउंट, अगर आपने इससे पहले बना रखा है आपका फेसबुक अकाउंट तो हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके अलावा अगर आपका जो अकाउंट है वो है लेकिन आपको नहीं मिल रहा तो फाइंड पर क्लिक करेंगे। और जो हमारा अकाउंट बनाने का ऑप्शन है वो यहाँ पर है क्रिएट न्यू फेसबुक अकाउंट, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर आने के बाद ये हमसे पूछेगा, हम इस ऑडियो से आपकी मदद करेंगे ताकि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है ऑडी को चालू रखें, तो इसे हम बंद कर देंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो इसे सुनेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं दोबारा सुनने के लिए स्पीकर वाले बटन को दबाएं। तो यहाँ पर फेसबुक ने काफ़ी अच्छा मतलब लॉन्च किया है, जिससे कि आप लोग फेसबुक की हेल्प लेंगे और उनकी हेल्प से आप अपना जो अकाउंट है उसे आप बना सकते हैं। तो ये तो हो गया फेसबुक का जो अकाउंट वाला प्रॉब्लम, या फिर अकाउंट बनाने का अगर किसी को नहीं आता है तो हम क्लिक करेंगे अब इस वाले आइकॉन पर जो है नेक्स्ट का। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमसे ये पूछेगा आपका पूरा नाम क्या है, पहले अपना नाम। तो यहाँ पर ये बेसिकली बोल रहा है आपका पूरा नाम यहाँ पर डालना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार हम अपने जो बीच वाला नेम होता है अपने फादर का नेम वो कहाँ पर डालें। तो यार ऐसा देखो, फेसबुक पर फादर का नाम डालना अलाउ नहीं करता है, तो फेसबुक तो नहीं करता है। अगर आप डालना चाहे तो इस आइकॉन में या फिर यहाँ पर दो नाम डाल सकते हैं, अपना सर नेम या फिर उससे पहले अपने फादर का नाम। तो यहाँ पर बेसिकली हम जो भी नाम है उसको डाल देंगे। मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर, असल में नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आर ए जे लिख देता हूँ। अब ये आर ए जे राज हो गया मेरा नाम, आपका नाम राजू या फिर लड़की का नाम पायल वगैरह जो भी हो वो हो सकता है। यहाँ पर नाम डालेंगे, यहाँ पर सर नेम डालेंगे, यहाँ पर आपको असली नाम डालना है। असली नाम क्यों डालना है, तो आपके फ्रेंड आपको फाइंड कर पाएंगे। लास्ट नेम में हम अपना कोई भी नाम डाल लेंगे, मैं यहाँ पर राजू नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ पर एंथनी लिखेंगे हम, एंथनी, और यहाँ पे मैं गोंजावलिस लिख दूँगा। यहाँ पर गोंजालिस शायद स्पेलिंग मिस्टेक होगा बट हो गया। तो ये दोनों चीज़ें आप डाल लोगे, उसके बाद आपके सामने है नेक्स्ट का बटन, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा लोड लेगा, टाइम लेगा ज़रूर, लेकिन टाइम लेने देना है हमें इसको, टाइम को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो अब अगला ऑप्शन आता है अलाउ लाइट टू मेक एंड मैनेज कॉल्स वाला, तो इसको हमें अलाउ ही करना पड़ेगा। अलाउ क्यों करना है, मतलब हमें उसको परमिशन, बेसिकली छोटे से अक्षरों में कहा जाए तो परमिशन इसको दे देनी है, अलाउ कर देंगे। अब यहाँ पर हम अपना वह मोबाइल नंबर डालें जिस पर आपसे संपर्क किया जा सकता है, आप बाद में अपना नंबर दूसरों से छिपा सकते हैं। तो आपने सुना होगा कि यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको अपना नंबर, मोबाइल नंबर है उसको डालना है। अब मोबाइल नंबर एक क्यों डालना है, तो एक वेरिफिकेशन के लिए, ताकि लोग यहाँ पर आपको पता, फेसबुक को पता चल सके कि यहाँ आप असली बंदे हैं। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे,
मोबाइल नंबर अलग अलग तरीके से डाला जाएगा, लेकिन अगर आप कंट्री कोड से डालते हैं तो भी काफ़ी बड़ी बात होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर है जो कि मैं एज अ फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए डाल दूँ। तो इस तरह से हमने नंबर डाल दिया। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। मान लीजिए आपके फ़ोन में तो नंबर ही नहीं है, आप तो नंबर के बिना ही अपना फेसबुक चलाना चाहते हैं, और अगर आपके पास सिर्फ वाईफाई, मेरी तरह आप वाईफाई से कनेक्ट हो किसी के, तो वहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन है जहाँ पर लिखा हुआ है साइन अप विद ईमेल। जहाँ दोस्तों साइन अप विद ईमेल, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जो सेक्शन हमारे लिए है वो है ये रहा, ये सेक्शन। तो इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। इस सेक्शन पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आ जाएगा साइन अप विथ जीमेल का। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो अगर यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी डालना है जिस पर आपसे संपर्क किया जा सके, आप बाद में इसे दूसरों से छिपा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये फेसबुक ने हमें फिर से बताया है कि यहाँ पर अगर आप डालना चाहे तो अपना कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। यहाँ पर इसको हम हटा देंगे क्योंकि ये भी एज अ फॉर एग्जांपल के लिए ही है। तो यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको जो डाल कर दिखा रहा हूँ आप अपना ओरिजिनल डालेंगे। ईमेल आईडी इस तरह से कुछ डालेंगे, उसके बाद ऐट द रेट लगाएंगे, जीमेल यहाँ पर आगे लिख देंगे, और उसके बाद डॉट कॉम पर क्लिक करेंगे। अब डॉट कॉम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट वाला बटन है वो यहाँ पर है। लेकिन मान लीजिए आपको बाद में लगता है कि यार नहीं नहीं मुझे तो मोबाइल नंबर से ही करना था, तो उसके लिए भी आपके पास फिर से ऑप्शन है। इस वाले जो आइकॉन है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर पूछा जाएगा व्हाट्स योर बर्थडे, यानी कि आपका बर्थडे कब होता है, आपका जन्मदिन क्या है, अपनी जन्मतिथि चुने। आप चाहे आपका जन्मदिन क्या है, आपका जन्मदिन क्या है। तो यहाँ पर हमसे डेट ऑफ बर्थ यानी जन्मदिन पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना जो बर्थडे कब होता है यानी बर्थडे आप कब मनाते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप कर देनी है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ भी है व्हाट्स योर बर्थडे, चूज योर डेट ऑफ बर्थ, यू कैन ऑलवेज मेक दिस प्राइवेट लेटर। कहने का मतलब यहाँ पर साफ है